Hello everyone, guys, I'm Pawan Gahukar. Yes, I'm a chartered accountant and a company secretary, and I'm here to make sure that you become one. Okay, yes, guys, CSEET, company secretary, executive entrance test ka, one of the subjects that is business environment. We had started in the yesterday lecture. Yes, business environment. उसके पहले थोड़ा हमने बिजनेस का डेफिनेशन देखा था. कल का पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं. बिजनेस कैन बी एनी एक्टिविटी ऑफ परचेज और सेल. इट कैन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, प्रोसेसिंग एज वेल, मार्केटिंग एज वेल. ओके, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एनीथिंग दैट कीप्स यू बिजी एंड अर्न्स यू समथिंग इज बेसिकली बिजनेस. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट, यस गाइस, दिस is a business, and whatever is around this business is the environment. Whatever is around this business is the environment, and there are multiple factors of environment that hits a business. There are multiple factors of environment that hits a business. Like what? Like society, customers, shareholders, government policies, politics, economy, corona, anything, whatever hits a business is a part of environment. And a business क्या हाथ खड़े कर देगा? नहीं जज साहब, ठीक है, हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम business नहीं करेंगे, छोड़ दो जी. नहीं नहीं नहीं, hands up थोड़ी ना होगा. हमें environmental changes को समझना है और environment के हिसाब से खुद को mold करना है. इसलिए डुअल आरो, बिजनेस इंटरैक्ट्स विद द एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट्स इटसेल्फ एज पर द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, अडॉप्ट्स इटसेल्फ एज पर द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट, अदरवाइज यू विल बी रनिंग आउट ऑफ बिजनेस फॉर श्योर. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बिजनेस. यस, देयर आर टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. You know, there are so many forces and sare external. Uske baad we have general and specific forces. Jo forces hume directly hit karte hain, jaise customers, investors, suppliers, competitors. Ye, theek hai, ye sare hume directly hit karte hain, isliye specific forces. Social aur legal hume indirectly help karte hain, isliye general forces ki category mein aata hai. So that's the second point. Okay. That's totality of external factors, then specific and general forces. उसके बाद interrelation. हर कोई जो भी कुछ सीखता है ना, we are learning everything from the United States. हम लोग उनसे देख देख के inspire हो के नई चीजें demand कर रहे हैं. Okay, so basically we want everything that's available in the United States, that's available in Germany, that's available in UK, that's available in France, that's available in including Corona. We want everything that's there. ठीक है, guys. When we are talking about this, guys, yes, the next point is interrelation. यानी हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस एनवायरमेंट अडॉप्टेड होता है, हमारा बिजनेस एनवायरमेंट उनसे सीख सीख के अपने चेंजेस करता है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, COVID-19 ने हमें ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है. बिजनेस एनवायरमेंट को इतना बड़ा सबक है कोरोना या COVID-19 कि हर बिजनेसमैन को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है. अनसर्टेंटी, द वर्ड इज अनसर्टेंटी, एंड अनसर्टेंटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ बिजनेस एनवायरमेंट. ओके, उसके बाद हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में देखा था. हु वर द टेलीकॉम इंडस्ट्री रूलर्स 2016? एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन, दीज वर द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री रूलर्स. सिम कार्ड बेचने वालों में, इंटरनेट कनेक्शन देने वाले, कॉलिंग सर्विस देने वाले, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे थे. और फिर सितंबर 2016 में भाई आया, भाई ने जियो फेंक के मारा, पूरी इंडस्ट्री बदल गई, लोग कहीं के नहीं रहे. एनवायरमेंट इज सो डायनामिक, कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते, आपके सारे प्लान्स बिगड़ सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होते रहता है. इट्स वेरी
डायनामिक कि कुछ हम लोग बोल नहीं सकते. और एज अ स्टूडेंट चलो तुम्हारी बात कर लेते. एज अ स्टूडेंट तुमको कितनी सारी तकलीफ है, पढ़ाई का टेंशन, ठीक है, एग्जाम का टेंशन, आजकल कोरोना के कारण एग्जाम नहीं होने का टेंशन, ठीक है, उसके बाद एग्जाम हुई नहीं है, ठीक है, और आगे करियर का क्या होगा उसका टेंशन, उसके बाद क्लासेस में आप जा नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस का टेंशन, चलो ऑनलाइन क्लासेस हम लगा ले लेकिन डेटा पैक खत्म हो जाता है उसका टेंशन, उसके बाद फिर हमारी वेब सीरीज के लिए डेटा पैक नहीं बचेगा उसका टेंशन, ठीक है, इतनी सारी चीजें, हमारे फोन को कोई हाथ तो नहीं लगा रहा उसका टेंशन, हमारे रिश्तेदार करियर के बारे में कुछ पूछ तो नहीं लेंगे, पेपर्स कैसे गए ये पूछ तो नहीं लेंगे उसका टेंशन, इतनी सारी चीजें. एज अ स्टूडेंट हमारा लाइफ इतना डिफिकल्ट है, बिजनेस को इतने सारे फैक्टर्स, बिजनेस को इतने सारे फैक्टर्स झेलना है. एज अ स्टूडेंट हमारे लाइफ में इतना टेंशन है, बिजनेस को इतने सारे फैक्टर्स झेलने हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स है ये बिजनेस एनवायरमेंट, इतने सारे फैक्टर्स एक साथ मैनेज करना, इट्स नॉट इजी, दैट मेक्स इट वेरी 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 कॉम्प्लेक्स. एंड इन लोगों को, ठीक है, लोगों ने, इंडियन मीडिया ने और इंडियन मार्केट ने लेबल कर दिया कि इसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं जिसको पेस्टिसाइड जैसे यूज कर सकते हैं, और फिर इसी का बेनिफिट लेके हमारे डियर बाबा जी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके चलते धीरे से हमने एक पतंजलि फ्रूजूंस लॉन्च कर दिया. और फिर क्या होना है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी. सो दीज वर द फीचर्स एंड फंक्शंस इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरमेंट एंड आई गेस दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. ऑलराइट, जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरमेंट, जस्ट हैव अ लुक एट इट. Totality of external forces, specific and general forces, interrelation, uncertainty, dynamic nature, relativity, and itne sare factors ek saath makes it very, very complex. So, all right then. So, this is what we had discussed in the previous lecture. The features and factors influencing business environment, ठीक है, यानी business environment की ऐसे कौन से factors है जो उसका feature है और जो businesses पे influence करते हैं. Alright, now once we are done with those factors, we have to study the various types of environment. Yes guys, there are multiple, okay, there are various types. Political environment, it has a different impact on our business. Economic environment has a different impact. Society and societal factors has a different impact. Log kya kahenge has a different impact. Technological factors has a different impact. And the legal factors. ओके, लॉ क्या कहता है, हैज इट्स ओन इंपैक्ट ऑन द ओके बिजनेसेस. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स दैट अ बिजनेस हैज टू कंसिडर. तो सबसे पहला है पॉलिटिकल एनवायरमेंट, तो जब हम लोग पॉलिटिकल एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंट्री के पॉलिटिक्स की, कंट्री के पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स की, कंट्री के पॉलिसीज की, और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट, द पॉलिटिकल एनवायरमेंट एज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. पेज नंबर 122 में टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है. वी आर मूविंग ऑन टू पेज नंबर 123, पॉलिटिकल एनवायरमेंट. ठीक है, तो जब हम लोग पॉलिटिकल एनवायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है,
तो हम लोग इन सब लोगों की बात करते हैं जो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस इंडिया के बिजनेसेस पे डाल सकते हैं। जैसे हमें आज का ही एग्जाम्पल, अभी का एग्जाम्पल, जस्ट रिसेंट एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। एंड हाउ कम, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, आज ही का एग्जाम्पल है। लेजिस्लेटर्स एट द लोकल स्टेट एंड फेडरल लेवल्स, लेजिस्लेटर्स, यू नो ये जो वर्ड है लेजिस्लेटर्स, दिस वर्ड, लेजिस्लेटर्स एट द लोकल स्टेट एंड फेडरल लेवल। लोकल लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, लाइक नागपुर लेवल, पुणे लेवल, बॉम्बे लेवल, दैट्स लोकल लेवल। महाराष्ट्र लेवल स्टेट लेवल, एंड फेडरल लेवल यानी कंट्री लेवल, फेडरल लेवल यानी कंट्री लेवल। सर ये हमको पता था सर, लेजिस्लेटर का मतलब बताओ आप। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर यानी जो लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेटर्स का मतलब जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेटर का मतलब जो लॉ बनाते हैं। सो लेजिस्लेटर लॉ बनाने वाले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे। लेजिस्लेटर्स एट द लोकल स्टेट एंड फेडरल लेवल मे प्रोवाइड इंसेंटिव्स और टैक्स ब्रेक्स टू द कंपनीज। इंसेंटिव्स और टैक्स ब्रेक्स यानी क्या? आप हमारे यहां कंपनी सेट करो, हम आपको अगले 5 साल तक कोई टैक्स भरने के लिए नहीं कहेंगे। इसको कहते हैं इंसेंटिव्स या टैक्स ब्रेक्स। सो कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और दे कैन इम्पोज रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे नागपुर में, नो नाग महाराष्ट्र में, यू कैन नॉट सेल पान मसाला, जो विमल होता है ना, जुबा केसरी, पता है तुमको, ऐसा ऐड आता है अजय देवगन का, वो महाराष्ट्र में बैंड है। तो ये क्या हुआ, आप पान मसाला या जो भी माउथ फ्रेशनर बोल के जो भी बेचते हैं वो, आई डू नॉट नो वॉट वॉट डू पीपल कंज्यूम इट फॉर, वॉट एवर, दैट्स अन इम्पॉर्टेंट। दे कैन इम्पोज रेगुलेशंस जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पान मसाला का एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप नहीं बेच सकते। जैसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, एक चंद्रपुर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, वहां पे लिकर नहीं बेची जाती, आप वहां पे शराब नहीं बेच सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। ओए पॉलिटिशियन लोगों ने, लॉ मेकर्स ने डिसाइड कर लिया यहां शराब नहीं बेचेंगे। ओए उस बिजनेस की लग गए, उस बिजनेस की हालत खराब हो गई। दिस इज वेयर एनवायरमेंट का वन ऑफ द टाइप पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैन क्रश अ बिजनेस और कैन अपलिफ्ट द बिजनेस। यानी बिजनेस को बना भी सकता है और बिजनेस को बिगाड़ भी सकता है पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अभी एग्जाम्पल बचा है मेरा, रुको। द कंपनी पासिस, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पॉलिटिकल बॉडी स्टेट्स दैट अ कंपनी मस्ट इंक्लूड अ सर्टन केमिकल इन इट्स प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिफर्स। इन एक गवर्नमेंट ने बोला है कि ये प्रोडक्ट बेचना है तो इसमें ये डाल के बेचना ही पड़ेगा आपको, ये डालना पड़ेगा, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो गया तो या तो प्रॉफिट कम होगा या तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा। यानी कंट्री जो जो लॉ मेकर्स या गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेगी, उससे बिजनेस बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। द कंपनी पासिस दोस कॉस्ट ऑन टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइजेस। यानी कॉस्ट बढ़ा कंपनी का तो कंपनी प्राइस भी बढ़ाएगी, काफी स्वाभाविक है ये। द कंपनी पासिस दोस कॉस्ट ऑन द कस्टमर्स बाय चार्जिंग हायर प्राइजेस। द कस्टमर मस्ट डिटरमाइन वेदर ही वॉन्ट्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट। इफ इट डज नॉट परचेज द प्रोडक्ट द कंपनी डज नॉट रिसीव द रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू यानी सेल्स का फिगर। आपने जितना भी बेचा है और उससे जितना पैसा आया है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो कंपनी का कोई प्रोडक्ट वो खरीदेगा नहीं क्योंकि महंगा है, तो कंपनी को रेवेन्यू वाइज नुकसान हो गया। तो
then the company pass those costs on to the customer in the form of higher prices. The customer must determine whether he wants to purchase that product. If he does not purchase the product, then the company does not receive the revenue. If a large number of customers decide not to purchase the product, the company need to lay off the employees. Ho gaya. Yane puri tarah lawmakers pe dependent hai bahut sari companies. Jaise ab aapko bhi pata hai corona ke chalte aaj, theek hai, 4th May ko pehli baar, okay, just a moment, let me check out. Yes, कोरोना के चलते 4th मई को पहली बार लॉकडाउन के बाद शॉप्स ओपन हुई काफी सारी. कोरोना के बाद पहली बार अब शॉप्स ओपन हुई तो सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी शॉप पे हुई, आपको भी पता है, लिकर शॉप्स पे, लिकर की शॉप्स पे, शराब की शॉप पे बहुत ज्यादा, बहुत, यानी दिल्ली के मीडिया में दिखाया है, दिल्ली के शॉप्स में ऐसी दो दो किलोमीटर लंबी लाइन लगी है शराब खरीदने के लिए. दैट्स सो इनसेन, बट इट्स ओके, उसका भी एक डिमांड होता है. और फिर कोरोना के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट होता है, जब आपको दूर दूर होना होता है एक दूसरे से, तो वो कंसेप्ट बिगड़ गया. उसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने आज डिसीजन लिया है, कोरोना के अंदर लिकर शॉप बंद तो नहीं करेंगे. पहले दिन उन्होंने इतनी भीड़ देख के शॉप्स बंद करवा दिए पुलिस वालों ने, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है अभी शाम को 8 बजे कि लिकर का प्राइस जितना भी है, मान लो लिकर का प्राइस है 1000 रुपए, तो वो प्राइस 70% से बढ़ा दी जाएगी. यानी 1000 रुपए का अगर लिकर बॉटल है तो वो हो जाएगा 70% एड करके. यानी अब 1000 के ऊपर 70%, यानी कितने रुपए हुए, 700 रुपए हुए. तो 1000 + 700, 1000 रुपए का सेलिंग प्राइस वाला बॉटल कोरोना के कारण अब 1700 रुपीज की हो गई. कोरोना के नाम पे गवर्नमेंट ज्यादा पैसे लेगी, बेसिकली डिमांड कम करना चाहते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेजिस्लेटर ने डिसाइड किया अब शराब की बिक्री शायद कम हो जाए, कल की न्यूज में हम देख लेंगे. So guys, that's all about the political environment. Just check out the theory. Okay, so काफी सारा political drama देखने के बाद अब एक चीज खरीदते हैं, ठीक है, अब एक चीज खरीदते हैं, ठीक है, ये खरीदते हैं यार, क्या कहते हो, ये खरीदनी हमने, अब आज ही दोपहर में जाएंगे और ये खरीद के लाएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फॉर दिस, विल बाय द न्यू ऑडी दैट इज जस्ट लॉन्च्ड इन यूके, और मान लेते हैं इंडिया में भी मिल रही है, ठीक है. कितने लोग ये 90 लाख का कार खरीदेंगे आज की सिचुएशन में, आज के एनवायरमेंटल सिचुएशन में, कितने लोग ये बाइक, सॉरी, ये लग्जूरियस कार ऑडी खरीदेंगे, कितने लोग, हा या ना, जल्दी जवाब दो, कितने लोग ये लग्जूरियस कार खरीदेंगे. अच्छा मैं क्या कहता हूं, इस प्लान के बारे में पापा को बताते हैं, पापा हम ये कार खरीदेंगे, पापा, हाँ पापा, तो पापा तुमको गले लगा लेंगे और कहेंगे हाँ बेटा ये ले 1 करोड़ रुपए और गाड़ी लेके आ जा, है ना, 90 लाख का कार है, आपको लाड़ प्यार में 1 करोड़ रुपए दे दिए और कहते हैं कि या चलो गाड़ी लेने चलते हैं, है ना. पापा ऐसे नहीं बोलते, पापा आपकी आइडिया को स्क्रैप कर देंगे, अरे कोरोना के कारण हम 2-व्हीलर नहीं चला पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, अपने पास पैसा नहीं है, ना बिजनेस हो रहा ना कुछ हो रहा, देखो कार खरीदनी है. गाइस
मना कर देंगे। कोई भी लोग लग्जूरियस आइटम नहीं खरीद रहे, सब लोग बेसिक बेसिक चीजें खरीद रहे। अप्रैल 2020 में मारुति ने एक भी कार नहीं बेची इंडिया में। अप्रैल 2020 में मारुति सुजुकी ने एक भी कार, मारुति सुजुकी किसी ने कोई कार नहीं बेची यार इंडिया में, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, महंगी चीजें लोग खरीद ही नहीं रहे। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पैसा ही नहीं अब किसी के पास, या है भी तो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि कहते हैं क्या पता कल बेसिक्स की प्रॉब्लम हो जाए। आ जाओ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, द लार्जर इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ सोसाइटी इज अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट अ कंपनीज बिजनेस एनवायरमेंट, एज अ रिजल्ट द बिजनेस एनवायरमेंट सफर्स। ओके, ड्यूरिंग रेसेशन, रेसेशन यानी क्या, जो अभी हो रहा है ना कोरोना के कारण, जो अभी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड रेसेशन में है। रेसेशन यानी क्या, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई किसी को कुछ खरीदना, कोई किसी से कुछ खरीदना नहीं चाहता, एसेंशियल्स के अलावा कोई कुछ नहीं खरीद रहा, कोई भी नई कार नहीं खरीद रहा, कोई भी नई वॉच नहीं खरीद रहा, कोई भी नया एप्पल का सेलफोन नहीं खरीद रहा। एप्पल ने अपना सेलफोन का लॉन्च एक महीने से डिले कर दिया ऑलरेडी, पता है उनको कोई नहीं खरीदेगा लग्जूरियस प्रोडक्ट, सब कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, बार बार कौन कितनी किडनियां बेचेगा, अब कोई नहीं खरीदने वाला अब एप्पल का प्रोडक्ट कुछ दिन। ठीक है, ड्यूरिंग अ रिसेशन कंज्यूमर स्पेंड लेस ऑन द ऑप्शनल आइटम सच एज कार्स एंड अप्लायंसेस। चलो बेटा एलईडी लेके आएंगे 3 लाख रुपए की, है ना, टीवी लेके आएंगे 3 लाख रुपए की, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगा रहा, सब मोक्ष पाने के पीछे चले गए, सब महाभारत देख रहे, सब रामायण देख रहे, ये सब मोह माया है। पैसा, गाड़ी, एलईडी, डायमंड्स, हीरे, जवाहरात, सोना, ये सब मोह माया है, ऐसा बोल रहे सब लोग। ड्यूरिंग अ रिसेशन ग्लोबल स्लो डाउन, रिसेशन है ना जब मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट में कुछ हलचल नहीं हो रही है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, कोई कुछ बेच नहीं रहा। अ कंज्यूमर स्पेंड्स लेस ऑन ऑप्शनल आइटम लाइक कार्स एंड अप्लायंसेस, एज अ रिजल्ट द बिजनेस एनवायरमेंट सफर्स। ऑन द अदर हैंड इफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज वन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, कंज्यूमर्स आर मोर लाइकली टू स्पेंड मनी नॉट जस्ट ऑन नेसेसिटीज बट लार्जर आइटम्स एज वेल। सो नॉट जस्ट ऑन नेसेसिटीज बट लार्जर, तो आपको जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग खरीदते ये सब, खरीदते ये सब प्लान्स करते हैं, लोग खरीदते ना Audi, Mercedes Benz, BMW, लोग खरीदते ना महंगी कार्स, क्यों नहीं खरीदते। लेकिन रिसेशन में नहीं, जब ग्लोबल स्लोडाउन होता है तब नहीं, जब मार्केट अच्छा नहीं है तब कोई कुछ नहीं खरीदता बॉस। इकोनॉमिक एनवायरमेंट बहुत मायने रखता है, जब मार्केट बूम पे है, सब कुछ सही चल रहा है तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट अच्छा है, लोग जेब में से पैसा निकालते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन जब मार्केट अच्छा नहीं है, तो इट कैन हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद ओके, इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बाद चलो थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज टेस्ट हो जाए। का है ये, का है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, सब फालतू सवाल मत पूछो, क्या कर रहे हैं, जीन्स है ये सर, वेरी गुड, ये जीन्स है। चलो अब मुझे बताइए, ये जो जीन्स कॉन्सेप्ट है ये इन्वेंट किसने किया है, जीन्स कॉन्सेप्ट इन्वेंट किसने किया है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ डेनिम। ये जीन्स कॉन्सेप्ट इन्वेंट किसने किया, ऐसे तो नहीं आ गया होगा, हु वॉज द इन्वेंटर, कम ऑन टेल मी हु वॉज द इन्वेंटर, नो आइडिया। द आंसर इज लेवाइस, लेवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी, 18th century में उन्होंने डेनिम बनाया था वर्कर्स के लिए, एक ड्यूरेबल ट्राउजर्स बनाए थे, ड्यूरेबल जो आसानी से फटते नहीं, वो बात अलग है हम आजकल पहले ही फाड़ देते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मद्देनजर रखते हुए एक ट्राउजर बनाया जाए तो कंफर्टेबल भी हो, जिसमें काम भी हो जाए और उसका ड्यूरेबिलिटी लॉन्जेविटी भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक वो चले। ऑफ कोर्स जीन्स आर दोस काइंड ऑफ ट्राउजर्स, लेवाई ने ही बनाया था। लेवाई की जनरल जो
प्राइस रेंज है, लिवाइस की जनरल प्राइस रेंज है 3500 एंड अबव। लिवाइस का एक जीन्स 3500 से ऊपर की प्राइस का आपको मिलेगा। दे बीइंग द इन्वेंटर, दे बीइंग द पायनियर इन द बिजनेस, दे बीइंग द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट, दे हैविंग ह्यूज मनी टू इन्वॉल्व इंजीनियरिंग इन जीन्स, प्लास्टिक से भी, प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक से भी जीन्स बनाते हैं लोग, दैट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग एंड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वैसा, क्योंकि पुराने हैं तो उनके पास उतना पैसा है उस बिजनेस के लिए। अब आई वेंट टू न्यूयॉर्क, तब मैंने मैनहैटन में दिस लेवाई का शोरूम, इट इज ऑफ 5 फ्लोर्स और उस बिल्डिंग में जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना ही बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा है सिर्फ लिवाइस का एडवर्टीजमेंट के लिए, सिर्फ लिवाइस का एडवर्टीजमेंट के लिए। दे आर ह्यूज। चलो फॉरगेट दैट। माय क्वेश्चन इज, ठीक है, लिवाइस का जो इतना महंगा जीन्स आता है 3500 एंड अबव, लिवाइस अब मार्केट में एक नया डेनिम लाने वाला है, एकदम जबरदस्त डिजाइन है इसका, दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये एकदम सीक्रेट डिजाइन है इनका, किसी को नहीं पता। लिवाइस ने एक नया डेनिम डिजाइन किया है और वो डिजाइन है ये है डिजाइन, ये है लिवाइस का नया डिजाइन, जहां पे ये बेल्ट है, यहां इन्हें यहां से पहनते हैं और ये पैर है और ये जो है ये पूरा ऐसा ऐसा है, ये बेल बॉटम टाइप का। ओके, अब लिवाई जैसे पायनियर कंपनी ने, इन्वेंटर कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने अगर मान लो ये फैशन का जीन्स लॉन्च कर दिया तो चलेगा क्या? ये फैशन का जीन्स लॉन्च कर दिया तो चलेगा क्या? टेल मी, मेक इट फास्ट। अगर लिवाइस ने ये फैशन का जीन्स लॉन्च कर दिया तो चलेगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे ये जीन्स कितनी अच्छी है, चलेगी ना? क्यों नहीं चलेगी? चलेगी ना, बढ़िया जीन्स है, एकदम हवा लग रही है नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है, हवा हवाई जीन्स है ये। अच्छा चलो ठीक है, 3499 इतने पैसे मत दो, 2499 ओनली। क्या अब चलेगा ये जीन्स 2499 ओनली? नहीं चलेगा 2499। अच्छा 1499 में कितने लोग खरीदना चाहेंगे लिवाइस की ये जीन्स? 1499 ओनली। अरे इतने सस्ते में मिल रही है लिवाइस की जीन्स, कभी नहीं मिलती इतने सस्ते में लिवाइस की जीन्स। अच्छा और गिर जाते हम लोग, पूरा गिर ही जाते, एकदम एकदम जबरदस्त प्राइस दे रहा हूं मैं आपको, 999 रुपए में ये जीन्स मिल रहा है, जबरदस्त हवा हवाई जीन्स, क्या तुम खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे हम, नहीं खरीदनी हमको ये हवा वाली जीन्स, चाहे लिवाइस ने बनाए हो या किसी ने भी बनाई हो, चाहे कितना भी ब्रांड नेम हो, ये जीन्स नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ ये जीन्स क्यों नहीं चलेगी? आप मुझे बताओ कि ये जीन्स क्यों नहीं चलेगी? प्रॉब्लम क्या है इस जीन्स में? ये जीन्स क्यों नहीं चलेगी? प्रॉब्लम क्या है इस जीन्स में? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस जीन्स? हाँ, द प्रॉब्लम विद दिस जीन्स इज, सर सर ये ऐसी जीन्स कौन पहनता है सर? मेरे दोस्त हंसेंगे सर मुझ पे। Am I right? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस जीन्स का, दिस जीन्स इज नॉट इन द ट्रेंड, ट्रेंडी जीन्स नहीं है ये। आजकल की जीन्स कैसी होती है? ऐसी चाहिए होती है जीन्स, यानी अच्छी जीन्स को खराब कर देना, कहीं कहीं से फाड़ देना, इसको जीन्स कहते हैं, ठीक है? इसको थोड़ी ना जीन्स कहते हैं, ये कौन खरीदेगा गाइस? लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे मुझ पे लोग, हंसेंगे ना तुम पे लोग। आ गया तुम्हारा सोशल फैक्टर, तुमने कह दिया ना हंसेंगे मुझ पे लोग, आ गया तुम्हारा सोसाइटियल फैक्टर। सोसाइटियल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में,
ये चीजों के कारण बहुत बड़ गड़बड़ हो जाती है, तुमको तो पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। पेज नंबर 123 पे हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्कस कर चुके हैं। वी आर मूविंग ऑन टू सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस आर द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ फैशन डिजाइनर दैट क्रिएट्स बेल बॉटम, देखो देखो बेल बॉटम स्ट्रिप पैंट्स विल नॉट सक्सीड इन एन एनवायरमेंट वेयर स्ट्रेट लेग एंड सॉलिड कलर पैंट्स आर डिजायर्ड। अ सोशल एनवायरमेंट दैट टेंड्स टू बी मोर कंजर्वेटिव विल नॉट सपोर्ट स्टाइल्स दैट अपियर टू बी ट्रेंडी। यानी हमारे पेरेंट्स भी, यानी दो तीन जगह से अगर जीन्स फटी हुई रहे तो आसानी से मानते नहीं, उनकी भी बात काफी बार सुननी पड़ती है। यानी बहुत, मैंने मम्मी पापा एकदम आसानी से, जाने दो मैं समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं। सोशल एनवायरमेंट दैट टेंड्स टू बी मोर कंजर्वेटिव विल नॉट सपोर्ट स्टाइल्स दैट अपियर टू बी ट्रेंडी। द फैशन डिजाइनर्स बिजनेस विल सफर इफ इट डज नॉट चेंज द क्लोथिंग स्टाइल। द सेम वुड अप्लाई टू मैन्युफैक्चरर्स दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर दैट सेल्स दीज वेयर। सब कुछ, लिवाइस कितना भी बड़ा हो आप ऐसी बर्बादी करोगे, आप ट्रेंड के खिलाफ जाओगे, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट को, और आपके प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद नहीं किया, एंड ऑफ द स्टोरी देयर। आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया गया तो बिजनेस से बाहर लोग हंसेंगे, नचा लिवाइस की जीन्स पहना होगा इसने, टैबू बन जाएगा, स्टिग्मैटिक हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे इसकी ज्यादा चिंता होती है हमें। प्लस सोसाइटी भी एकदम खुली खुली नहीं है हमारी, तो आसानी से नई चीजों को एकदम मानते नहीं है। ओके, चलो जस्ट एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे। सोसाइटल फैक्टर हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है बंद करो ये रोना धोना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक माई क्लास, डू यू लाइक द ग्राफिक्स ऑफ दिस क्लास, डू यू लाइक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डू यू वॉन्ट मी टू शो दीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच आई शो। क्या फायदा होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, जो यहां है मैं वो यहां दिखाता हूं और मैं पढ़ के सुनाता हूं, ऐसी क्या खास बात है उसमें? सर जब आप, ये तो नोट्स में लिखा है सर, बट ये जो आपने बनाया ना, ये कुदरत का नायाब जीन्स जो आपने बनाया, ये सर मेरे दिमाग में छप चुका है सर। अब ये जो एग्जांपल आपने दिया है, अब नहीं भूलूंगा ये स्माइल, मैं कभी नहीं भूलूंगा पतंजलि ने कैसे अपनी जगह बना ली एक छोटी सी मिस्टेक को लेके। कभी नहीं भूलूंगा मैं ये एग्जांपल, कभी नहीं भूलूंगा मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों वालों के चेहरे, कभी नहीं भूलूंगा मैं मेरी नहीं खरीदी हुई आउडी, और मेरे सपने चूर चूर हुए थे, ये भी नहीं भूलूंगा मैं। गाइस, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दैट आई हैव, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दैट आई एम यूजिंग, थैंक्स टू द इंटरनेट दैट इज इन योर हैंड, दैट्स अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। हाँ, टेक्नोलॉजी कितनी बदली है ये भी तो एक बहुत सोचने वाली चीज है। टेक्नोलॉजी बदल गई, पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती है, काफी प्रॉब्लम्स होने लगती है। द इनोवेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरमेंट। इनोवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन मीन्स, समथिंग न्यू। आई एम वेरी श्योर ये जो हमारी क्लास के ग्राफिक्स है और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये जो हमारे सपने जो उड़ रहे हैं, ये सब मुझे नहीं लगता कि आपने इसके पहले कहीं देखा होगा। थैंक्स टू द सॉफ्टवेयर दैट आई एम यूजिंग, इनोवेशन समथिंग न्यू। इनोवेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरमेंट। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, अ बिजनेस इज फोर्स टू कीप पेस। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, एक बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है।
For example, when computers were first invented, they were of a size of a room. ठीक है, जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे तो पूरे एक रूम भर के होता था, वो इतना बड़ा तामझाम होता था. लेकिन अब आपके हाथ में जो फोन है, ठीक है, ये आप ये चीज बोल लो, आप ये चीज बोल लो, कोई भी चीज, आज हमारे पास जो भी डिवाइसेस हाथ में है वो उस जमाने के कंप्यूटर से भी, उस जमाने के कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है. चीजें बदल चुकी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेन कंप्यूटर्स वे फर्स्ट इन्वेंटेड, दे वर ऑफ द साइज ऑफ द रूम. यूजर्स आर फोर्स टू एम्प्लॉय पंच कार्ड्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस. पंच कार्ड्स यूज होते थे अटेंडेंस के लिए. जो एम्प्लॉयज होते थे पंच कार्ड यूज करते थे अटेंडेंस के लिए, कि हाँ भैया मैं इतने इतने बजे नौकरी पे आ गया हूं. लेकिन आजकल अटेंडेंस के लिए पंच कार्ड यूज नहीं होते, टेक्नोलॉजी के कारण वो बदल गया है. क्या यूज होता है तो फिर देखते हैं. यूजर वे फोर्स टू एम्प्लॉय पंच कार्ड्स टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस. टूडे कंप्यूटर्स दैट आर मच मोर पावरफुल कैन फिट इन टू द पाम ऑफ द हैंड. गाइस, मैंने क्या कहा, कंप्यूटर्स दैट आर मच मोर पावरफुल, यानी आपके हाथ में फिट हो रहा है. ठीक है, इतना हैवी, इतना स्ट्रांग मशीन, इतना स्ट्रांग कंप्यूटिंग सिस्टम आपके हाथ में आज, इट कैन फिट इन योर पाम. चीजें इतनी बदल चुकी है. टुडे कंप्यूटर्स आर मच मोर पावरफुल एंड कैन फिट इन टू योर पाम ऑफ अ हैंड. पहले कंप्यूटर्स पूरे एक रूम भर के होते थे और आज सिर्फ आपके हाथों में आ जाता है. बिजनेस दैट डू नॉट कीप अप विद द टेक्नोलॉजी, डू नॉट कीप अप विद टेक्नोलॉजी, यानी क्या, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ते वो बंद हो जाते हैं. टुडे कंप्यूटर्स बिजनेस दैट डू नॉट कीप अप विद टेक्नोलॉजी रिस्क इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हायर प्राइसेस. इफ द कंपनीज कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस आउटस्पेसेस कंपटीटर्स, द कंपनी हैज टू सून फाइंड इटसेल्फ आउट ऑफ बिजनेस. तो गाइस, हर चीज धीरे धीरे बदल गई है. ठीक है, हर चीज धीरे धीरे बदल गई है. जैसे मैंने कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल दिया. अब कंप्यूटर्स तो हमने खुद ने देखे कि कंप्यूटर्स, जैसे अभी हमारे घर पे भी डेस्कटॉप होता है, हम ओपन ही नहीं करते. ओपन करते तो लैपटॉप ओपन करते हैं, उसमें भी हमारे जान पे आता है तो हम लोग सेलफोन पे ही शुरू हो जाते हैं. पहले पंच कार्ड्स होता था एम्प्लॉयज के लिए, अब पंच कार्ड्स नहीं होते. कुछ कार्ड पंच वगैरह करने की जरूरत नहीं, ऐसे फिंगर रखो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाता है. न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हैज चेंज द पैराडाइम ऑफ द वर्ल्ड. पूरी तरह बदल चुका है दुनिया. आपको एज अ बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे आप और आपका बिजनेस शायद बंद हो जाए. लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द कंपनी मे सून फाइंड इटसेल्फ आउट ऑफ बिजनेस. ऑलराइट, सो दैट वाज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. एक और चीज, फॉर एग्जांपल, यानी एनवायरमेंट का कितना बड़ा बड़ा असर हो सकता है बिजनेस पे, ये देख लेते हैं. बताओ ये क्या चीज है, ये नायाब जादुई चीज क्या हो सकती है ये चीज? एनी आइडिया, एनी क्लू, क्या हो सकती है ये चीज? एनी आइडिया क्या हो सकता है ये? हाँ, क्या हो सकता है ये? क्या है ये? सर कैमरे से दिख रहा है. हाँ हाँ हाँ, कैमरे जैसा दिख रहा है ये. ठीक है, कैमरे जैसा दिख रहा है ये. एक जमाना हुआ करता था जब फोटो खींचना एक कॉस्टली चीज होती थी और एक साथ इसमें ऐसे मल्टीपल आप हजारों फोटो नहीं खींच सकते थे. उसके अंदर एक रोल डालना पड़ता था और उस रोल की कैपेसिटी थी 35-36 फोटोग्राफ्स. ये रोल 100 रुपीस का होता था. फिर उसकी फोटोग्राफ बनाने की कीमत अलग होती थी. एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. इट्स अ कैमरा फॉर यू. कंपनी का नाम ध्यान में रखो, कोडैक. कोडैक वॉज वेरी वेल नोन फॉर मेकिंग कैमराज. वेरी वेल नोन. आज कोडैक का नाम भी शायद तुमने सुना नहीं होगा गाइस, क्योंकि डिजिटल कैमरास आ गए. टेक्नोलॉजी चेंज. कोडैक की हालत बहुत खराब है आज.
आज सर्वाइवल के लिए पता है कोडैक क्या बना रहा है? एक जमाने में पूरे दुनिया में नंबर वन सेलर था कैमरा का, आज सर्वाइवल के लिए कोडैक को पावर बैंक बनानी पड़ रही है। आज इतनी हालत खराब है कोडैक की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इफ यू डू नॉट कीप अप विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, अ कोडैक मोमेंट विल हैपन विथ यू। चलो कोई नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डिजिटल कैमरास बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिजिटल कैमरास का भी मार्केट बर्बाद हो चुका है थैंक्स टू योर सेलफोन कैमरा। आजकल सेलफोन के कैमरास इतने ज्यादा अच्छे होते हैं और सोशल नेटवर्क से इंटीग्रेटेड होते हैं सेलफोन। दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी 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 स्पेशल। कोई डिजिटल कैमरा भी नहीं खरीद रहा आज, फोन को फोन बोल के बेच नहीं रहे हैं लोग, फोन को कैमरा फोन बोल के बेच रहे हैं। लाइक आई रिमेम्बर ओप्पो कैमरा फोन, वीवो के एडवर्टीजमेंट में फोन में कॉलिंग का फीचर नहीं दिखाते, फोन का कैमरा कितना अच्छा है ये दिखाया जाता है। इवन फॉर दैट मैटर एप्पल के भी एडवर्टीजमेंट में, जो काफी कम आती है, एप्पल के भी एडवर्टीजमेंट में एप्पल के फोन से बनाए हुए वीडियो के बारे में ज्यादा डिस्कशन होता है। दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द सेलुलर थिंग, कॉलिंग के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। व्हाट इज गॉन रॉन्ग गाइस? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, यू नेवर नो कौन सा इंडस्ट्री कब खत्म हो जाए। टेक्नोलॉजी इज वेरी 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 वाइटल। ऑलराइट, सो गाइस दिस इज द थिंग। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट के अंदर हम लोगों ने, यस हम वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड, आई एम सो सॉरी दैट्स नॉट द स्लाइड। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में वी हैव सीन पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द लीगल फैक्टर। अगर लॉ कहता है कि ये प्रोडक्ट बैंड है, इसमें आप ऐसा ही करोगे, इसमें वैसा नहीं करोगे, तो लीगल डोमेन अगर आ जाता है, तो लॉज अगर नए बनते हैं, उसका भी इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे आ सकता है। देखो लीगल, ऑफन अ बिजनेस विल नीड टू चेंज हाउ इट ऑपरेट्स फॉर लीगल रीजंस। दिस इज ऑफन डन व्हेन अ कंपनीज लॉयर एंटिसिपेट अ चेंज इन लेजिस्लेशन। कंपनीज लॉयर या फिर कंपनी सेक्रेटरी एंटिसिपेट अ चेंज इन लेजिस्लेशन। व्हाट डू मीन बाय एंटिसिपेट? एंटिसिपेशन का क्या मतलब है? सॉरी यार, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एंटिसिपेट? एंटिसिपेट का मतलब होता है उम्मीद करना। जब एक कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी का लॉयर एंटिसिपेट करता है, एंटिसिपेट अ चेंज इन लेजिस्लेशन और इट मे बी ड्यू टू लॉसूट ऑलरेडी फाइल्ड और एंटिसिपेटेड, यानी कंपनी के ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्ट इन अ मशीन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द कंपनी मे नीड टू इश्यू अ रिकॉल। यानी अगर कोई कहता है कि आपके एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट में, आपके कार में, ठीक है, ब्रेक पेडल सिस्टम खराब है, अगर कोई ऐसा कोई कंज्यूमर कंप्लेन कर देता है और उनके खिलाफ केस फाइल कर देता है, तो लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रूव हो गया कोर्ट में कि कंपनी की गलती है, तो उस बैच में मान लो अगर 5,000 कार्स बनी होगी, तो 5,000 के 5,000 कार्स को वापस बुलाना पड़ता है और वो प्रोडक्ट का पार्ट फ्री में ठीक करके देना पड़ता है। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्ट इन अ मशीन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द कंपनी मे नीड टू इश्यू अ रिकॉल। इफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री आर बींग सूड ओवर समथिंग लाइक अ डेटा ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अ बिजनेस मे नीड टू चेंज हाउ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो कोई मिस यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। जैसे अगर आप वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो की गैलरी में चले जाओ और उसको बोलो ये लो नंबर, लो ये नंबर से मुझे मिस कॉल आ रहा है, आप बताओ कि ये नंबर किसका है, बताएंगे क्या आपको? नहीं बताएंगे, केस फाइल हो जाएगी उन पे। लीगल एस्पेक्ट है। तो आपको लॉ को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, और अगर हमसे ये गलती हो जाती है
तो हमने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इसके लिए भी रेडी रहना है। काफी सारी कंपनीज इसलिए बंद हो गई क्योंकि लीगल केस, किसी ने लॉसूट्स, यहां पे एक वर्ड है लॉसूट्स यानी लीगल केस, सूट यानी सूट यानी कोई किसी पे केस कर देता है तो इसको सू कहा जाता है, कोई किसी पे केस कर देता है तो इसे सू कहा जाता है, लीगल सू, लीगल केस, ठीक है। सो इफ द कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री आर बीइंग सूड, बीइंग सूड यानी वही सू, लॉ सू एंड सूड, सूड इज द पास्ट टेंस, sued over something like data breach of confidential information. Data breach यानी क्या, किसी ने किसी का data गलती से collect कर लिया and confidential information. अगर Jio वाले ने बता दिया आपकी मम्मी को कि आप रात को 3 बजे किससे बात कर रहे थे, है ना, तो अगर मम्मी को यह पता चल गया कि हम रात को 3 बजे किससे बात कर रहे थे तो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। कैसी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी हमारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट, एंड यू नो बिजनेस के ऊपर काफी प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई और अगर उसने केस फाइल कर दिया तो फिर उस हिसाब से कंपनी को रेडी होना होता है। आजकल कोई भी किसी पे आसानी से केस कर देता है। ऑलराइट, सो गाइज दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, right from political environment, economic environment, social, technological and the legal aspect. Every environmental factor is equally important. ये सारे हमारे business को influence करते हैं, business को help भी करते हैं, ठीक है, ये हमारे business को अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और ये हमारे बिजनेस के लिए, दिख रहा हूं क्या मैं, ये हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अब हमारा बिजनेस इसको कैसे परसीव करता है, ठीक है, हमारा बिजनेस इसको कैसे परसीव करता है, इस पे सारा खेल होगा। कोरोना आया, काफी बिजनेसेस को थ्रेट है, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, दवाई बनाने वालों को, मास्क बनाने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है ना। तो एनवायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा और एनवायरमेंट आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि हाउ डू यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ऑलराइट गाइस, so these were the types of environment and that's it for today's video lecture. I am Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. If you have any doubts, do let me know. Thank you so much. Take care of yourself. Study well. Bye-bye.